पिछले कुछ सप्ताह से यूरोप के कई देशों में लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहा है और नॉर्मली नहीं बल्कि सभी कंट्रीज के केसेस बढ़ने में अलग अलग रिकॉर्ड बन रहा है और यही चीज़ अब एशियन कंट्रीज में भी देखने को मिल रहा है। तो क्या सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आ चुका है? आज से 100 साल पहले जब स्वाइन फ्लू का सेकेंड वेव आया था तो उस समय का भी यही मौसम था, पतझड़ और ठंडी का। और स्वाइन फ्लू का जब सेकेंड वेव आया था तो वो फर्स्ट वेव से भी कहीं ज़्यादा भयावह था। तो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना एक्चुअली में है क्या, और जो भी है तो क्यों है, और अगर है तो क्या ये इंडिया में भी आने वाला है, और अगर आने वाला है तो हमें और हमारे गवर्नमेंट को इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब को इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये सेकेंड वेव ऑफ कोरोना है क्या। आप इसे सी वेव की हेल्प से समझ सकते हैं। जब भी समुद्र में कोई लहर ऊपर उठकर नीचे गिरता है या नीचे गिरकर ऊपर उठता है तो इसे एक वेव कहा जाता है। इसी तरह आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, अक्टूबर के शुरुआत तक पूरे दुनिया भर में कोरोना केसेस या तो घट रहा था या फिर लगभग फ्लैट हो गया था, लेकिन अचानक से इसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ साथ जापान, टर्की, कनाडा, रसिया, ऑस्ट्रिया, यूक्रेन, जॉर्डन, ईरान, इन सभी में बहुत ही व्यापक रूप से कोरोना केसेस बढ़ना शुरू होता है। और इसी कारण से रिसर्चर्स का मानना है कि कोविड 19 का सेकेंड वेव आ चुका है। तो अब सवाल यहाँ ये आता है कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आया कैसे और कोविड 19 का केसेस इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है। यहाँ पर किसी एक को ब्लेम करना सही नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और देश की जनता सभी इसकी जिम्मेदार हैं। कुछ लोग कोविड 19 के प्रिकॉशंस जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धुलना, इन सभी को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं। कोविड 19 के प्रिकॉशंस को ना लेना और केसेस का ज़्यादा बढ़ना, इन दोनों का सीधा संबंध है। जिस भी एरिया में प्रिकॉशंस ज़्यादा लिया जा रहा है उसमें केसेस कम निकल रहे हैं, जिस भी एरिया में प्रिकॉशंस नहीं लिया जा रहा है उसमें केसेस ज़्यादा निकल रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कोविड 19 का केसेस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि टेस्टिंग ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है। टेस्टिंग के साथ साथ बीमार लोगों का संख्या भी बढ़ रहा है। जो टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं और जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, फिर बाद में जिनकी मौत हो जाती है, ये सभी सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ज़्यादा टेस्टिंग होने के कारण ज़्यादा लोगों का केसेस बाहर निकल रहा है, ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं और इसी तरह से मरने वालों का संख्या भी ज़्यादा हो रहा है। जिस समय लॉकडाउन हटाया गया उस समय लोग बाहर आने के लिए बहुत ही व्याकुल थे, जबकि उस समय भी कई सारे एरियाज़ में कोरोना से संक्रमित लोगों का संख्या बहुत ज़्यादा था। जिस तरह से लोगों का एक दूसरे के साथ संपर्क और गतिविधि बढ़ा, उसी तरह से वायरस का ट्रांसमिशन भी बढ़ा और कोरोना का केसेस भी। प्रॉपर पॉलिसीज़ के बिना संपूर्ण लॉकडाउन लगाना और फिर उसे हटा देना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इतना ज़्यादा केसेस बढ़ने का। किसी पॉलिसीज़ का लागू होना, जैसे मार्केट का खुलना और इसके कारण कोविड 19 के डाटा में फ़र्क दिखना, इन दोनों के बीच 5 से 6 सप्ताह तक का समय लग जाता है। क्योंकि जब किसी को कोरोना होता है तो उसे डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट कराने के लायक बीमारी होने में लगभग कम से कम 2 सप्ताह तक का समय लग जाता है, और इसके कारण हुए संक्रमित लोगों को भी ऐसे ही 2 सप्ताह तक का समय लगता है। इसी कारण से पॉलिसीज लागू होने पर कोविड 19 के डाटा में तुरंत प्रभाव या फिर उसका बदलाव दिखता नहीं है। क्या ठंडी के मौसम में कोविड 19 का केसेस और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है? इसके जवाब में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ठंडी के महीने में रेस्पिरेटरी बीमारी जैसे जुकाम, फ्लू, ये सब बहुत बढ़ जाता है, और ऐसे मौसम में लोग ज़्यादातर घर के अंदर जमा होते हैं। इन सब के कारण केसेस के बढ़ने का बहुत ज़्यादा खतरा है। और ठंडी के मौसम में पॉल्यूशन होने के साथ साथ नॉर्थ इंडिया में फेस्टिवल सीजन होने के कारण भी केसेस बढ़ने का खतरा है, और इस बार तो बिहार इलेक्शन भी था। ये सब का डाटा हमें लगभग 1 महीने बाद दिखेगा। अब केसेस तो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन वैक्सीन आने से पहले क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिसके कारण कोरोना केसेस बढ़ना कम हो जाए? तो कुछ एक्सपर्ट्स स्ट्रॉन्गली बिलीव करते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी से ऐसा होना मुमकिन है, और कुछ एक्सपर्ट्स कोविड 19 के केस में इससे डिसएग्री करते हैं। हर्ड इम्यूनिटी को समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इम्यूनिटी क्या होता है। सबसे आसान भाषा में अगर समझें तो मान लीजिए कि आपका शरीर एक शहर है। एक शहर में जैसे सेना होता है उसे बाहरी दुश्मन सेना से उस शहर को रक्षा करने के लिए, उसी तरह आपके शरीर में भी सेना होता है बाहरी दुश्मन सेना से आपके शरीर को रक्षा करने के लिए। हम उसी सेना को, जो आपके शरीर के अंदर सेना है, उसी को हम इम्यून कहते हैं, और उस सेना के क्षमता को हम इम्यूनिटी कहते हैं। और अभी बाहरी दुश्मन सेना के रूप में है कोरोना वायरस। तो हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? जब किसी सोसाइटी के ज़्यादातर लोगों के शरीर में एक बीमारी का इम्यूनिटी पैदा हो जाए तब उसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, और फिर लगभग पूरे सोसाइटी को सुरक्षित माना जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर्ड इम्यूनिटी काम कर सके इसके लिए लगभग 70% लोगों को कोरोना वायरस से इम्यूनिटी होनी चाहिए।
जिन्हें पहले कोरोना हो चुका है उनके अंदर कुछ समय के लिए हो सकता है इम्यूनिटी हो, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि ये इम्यूनिटी रहता कितने समय तक है। कुछ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का मानना है कि बिना वैक्सीन के कोरोना वायरस को हर्ड इम्यूनिटी के नाम पर छोड़ देना बिल्कुल भी सही नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी काम कर सके इसके लिए सभी लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित होना पड़ेगा, जिसके कारण लाखों लोग मारे जाएंगे और जो बच जाएंगे उनके अंदर हार्ट, लंग्स, ब्रेन या किडनी डैमेज की बीमारी हो सकती है। रिसर्चर्स अभी भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड 19 से रिकवर होने के बाद लोगों के अंदर कब तक, कितने समय तक कोरोना वायरस का इम्यूनिटी रहता है, क्योंकि अगर ये पता चला कि कम समय तक रहता है तो फिर से लोगों को कोविड 19 हो सकता है, जिसके कारण और भी ज़्यादा लोगों की मौत होगी, इसके साथ साथ बीमारियाँ भी। इसके बाद भी कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हर्ड इम्यूनिटी के हेल्प से लोगों को बचाया जा सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ये सेकेंड वेव ऑफ कोरोना इंडिया में भी आने वाला है? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि इसका आना तो तय है, लेकिन इसका इंटेंसिटी क्या होगा ये हमारे और हमारे गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद थर्ड वेव या फोर्थ वेव भी आ सकता है, और अगर आ सकता है तो उसका इंटेंसिटी क्या होगा ये भी हमारे और हमारे गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि सेकेंड वेव का इंटेंसिटी ही ये डिसाइड करेगा कि थर्ड वेव या फोर्थ वेव का इंटेंसिटी क्या होगा, और सेकेंड वेव का इंटेंसिटी हमारे और हमारे गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। यहाँ जनता और गवर्नमेंट दोनों को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। अगर कोऑपरेट नहीं किए तो देश को थर्ड और फोर्थ वेव के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जैसे ही केसेस घटने लगता है लोग धीरे धीरे प्रिकॉशंस लेना भी कम कर देते हैं, और यही समय है जब प्रिकॉशंस का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। 1918 के पैंडेमिक में भी यही गलती हुआ था, लोग फर्स्ट वेव के बाद प्रिकॉशंस लेना बंद कर दिए थे और उसका सेकेंड वेव और भी ज़्यादा भयावह हुआ था। गवर्नमेंट और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया में सेकेंड वेव जनवरी फरवरी के बीच आएगा, या हो सकता है पॉल्यूशन बढ़ने से या मौसम के कारण जनवरी के पहले भी आ जाए। दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने के कारण ऑलरेडी थर्ड वेव आ चुका है। जैसे ही ठंडी बढ़ता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर के अंदर रहते हैं, और ऐसे में वायरस का संक्रमण भी ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि बंद स्थानों में संक्रमण का संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है या जो होने वाला है उसके लिए हमारे गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए और इंडिविजुअली हमें क्या क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट को पिछली बार की तरह संपूर्ण लॉकडाउन कर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी तरह से इकोनॉमी को शटडाउन कर देना भारत अभी इसे झेलने की स्थिति में नहीं है, और इसके कारण सबसे ज़्यादा परेशानी भी गरीब और यंगस्टर्स को ही होता है। यहाँ गवर्नमेंट अकेला बहुत कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए जनता को बहुत ही प्रॉपर वे में कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। लेकिन लोगों को ऐसा लगने लगा है कि अब ये बहुत नॉर्मल हो गया है और अब ऐसे ही जीना है, तो ऐसा नहीं है। इसी सोच के कारण बहुत ही भयंकर तरीके से केसेस बढ़ने वाला है, लेकिन इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोऑपरेशन के साथ साथ प्रॉपर प्रिकॉशंस भी लिया जाए तो केसेस बहुत हद तक कम किया जा सकता है। पूरे देश भर में जो भी एरियाज अभी रेड जोन में है उसमें गवर्नमेंट को तुरंत पार्शियल लॉकडाउन लगाना चाहिए। उस एरियाज के सभी हॉस्पिटल्स के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, और उस एरिया में ये अवेयरनेस भी होना चाहिए कि घर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग लोग मेंटेन करें, और यहीं पर जनता को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। अगर कोई ये सोचते हैं कि ये सबसे कुछ नहीं होगा तो हो सकता है कि आपको कुछ ना हो, लेकिन अगर आपके आसपास कोई बच्चा या एजेड हैं तो उन्हें बहुत कुछ हो सकता है। जो भी एरियाज में पॉल्यूशन बढ़ रहा हो या फिर बढ़ने वाला हो उस एरिया में जनता के कोऑपरेशन से पॉल्यूशन कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि अब नॉर्थ इंडिया में ठंडी के साथ साथ पॉल्यूशन बढ़ने के कारण कोरोना केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसका एग्जाम्पल आप दिल्ली में देख सकते हैं, रोज़ दिन रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रहा है। पॉल्यूटेड एरियाज़ के हॉस्पिटल्स के ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, इसके साथ साथ इस वायरस से रिलेटेड जो भी वर्कर्स हैं इनके भी सभी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। मिनिमम प्रिकॉशन से रिलेटेड गवर्नमेंट को इमीडिएट एंड इफेक्टिव पॉलिसी इशू करना चाहिए, और इसको लेकर गवर्नमेंट को भी फुल्ली कोऑपरेट करना चाहिए। देश के जनता को मिनिमम प्रिकॉशंस जैसे हैंड वॉश करना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ही चाहिए, क्योंकि वायरस अब हर जगह फैल चुका है। और अगर आपको खुद के लिए ये सब करने की ज़रूरत महसूस नहीं होता है तो कम से कम अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए कर लीजिए, और दूसरों को भी मिनिमम प्रिकॉशंस लेने के लिए अवेयर कीजिए। कोरोना वायरस के साथ साथ पिछले कुछ पॉलिसीज़ के कारण इस वक्त हमारे भारत का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है ये आप सभी को पता है, इसीलिए उस टॉपिक को इस वीडियो में कवर नहीं किया गया है। अगर आप भी इस वायरस के सेकेंड वेव के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।